नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेल, इस वीडियो में मैं त्योहार की बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि बात होने वाली है डायरेक्टर राज शांडिल्य और टी सीरीज की फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो। आप पूछेंगे भाई क्यों, फिल्म तो आ गई, हमने रिव्यू भी कर दिया है, तो अब क्या मामला है? वेल, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। राइटर डायरेक्टर राज शांडिल्य की फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो रिलीज से पहले फिल्म विवाद में थी और अब रिलीज के बाद ये बहुत ही बड़े विवाद में पड़ गई है। और सच बताए तो परसों जब हमने ये फिल्म देखी थी तो हमें पता था ऐसा होने ही वाला है। तो मामला ये कुछ ये है कि इस फिल्म में, फिल्म के सेकेंड हाफ में आप देखें तो एक बहुत ही सब शॉकिंगली मैं कहूँगा कि एक स्त्री का स्पूफ किया गया है। ये बात हम अपने रिव्यू में मेंशन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खुलासा हो जाता। हालांकि विकी विद्या के ट्रेलर में एक हल्की सी झलक आपने देखी थी और तब तो खैर ये लग रहा था कि बस कुछ एक ऐसे ही पासिंग शॉट या कुछ होगा, लेकिन वी वर वेरी सरप्राइज कि विकी विद्या में तो स्त्री का जो स्पूफ है, करीब मेरे ख्याल से 10-12 मिनट का सीन है वो, जो कि कब्रिस्तान में एक शूट किया गया है। फिल्म देखते समय हम हैरान हो रहे थे, लेकिन सोच तो हम यही रहे थे कि शायद टी सीरीज और राज शांडिल्य और बालाजी जो इसके प्रोड्यूसर हैं विकी विद्या के, शायद उन्होंने मैडॉक फिल्म्स जियो से परमिशन ली होगी कि वो उनकी फिल्म पे स्पूफ कर सके। लेकिन अब जो बात निकल के आई है थोड़ी देर पहले, जाहिर है मैडॉक फिल्म्स काफ़ी नाराज़ होंगी और आई एम श्योर जियो का भी दबाव होगा, जियो स्टूडियोज़ का। और फिर जल्द डायरेक्टर राज शांडिल्य उन्होंने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट इशू किया जिसमें ही हैज़ अपोलोजाइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ टी सीरीज अदर प्रोड्यूसर्स बालाजी वकाउ फिल्म्स की, जो उन्होंने ही हैज यूज द वर्ड कि उन्होंने अपनी इस विकी विद्या में स्त्री कैरेक्टर और उसका एक डायलॉग यहाँ पे उन्होंने इन्फ्रिंजमेंट की है। आई एम श्योर एक नोटिस गया होगा फ्रॉम जियो एंड मैडॉक और इट डिडंट टेक लॉन्ग फॉर राज शांडिल्य एंड टी सीरीज टू बेसिकली रिपेंट देयर एक्शन। अब टी सीरीज इज टू बिग, इसलिए ये जो स्टेटमेंट इशू किया गया है वो राज शांडिल्य द्वारा इशू किया गया, बिकॉज आखिरकार वही तो है फिल्म के राइटर और डायरेक्टर। और इस स्टेटमेंट में उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी है फॉर इन्फ्रिंजमेंट और उन्होंने ये 15 अक्टूबर तक की मोहलत मांगी है कि बिकॉज अब जाहिर है उन्हें सीन में बदलाव लाने पड़ेंगे। अब मैंने जैसे कहा कि कुछ 10-12 मिनट का सीन है स्त्री स्पूफ का, तो फिर अगले 2 दिन में ये क्या करने वाले हैं? अब सीन काट देंगे तो आप इमेजिन करिए कि एक क्रूशल जंक्शन पे ये स्त्री स्पूफ आता है, तो वो तो फिर क्या आप सीधा से 10-12 सीन काट देंगे, या फिर कुछ उन सीनों में कुछ डिस्क्लेमर डाला जाएगा या कुछ क्रेडिट दिया जाएगा? आई डोंट नो यहाँ पे टी सीरीज और राज शांडिल्य क्या करने वाले हैं। लेकिन यदि ये सीन पूरा कट जाता है तो फिर तो परेशानी होगी विकी विद्या वालों को। राज शांडिल्य इज नो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रोवर्सी। उनकी पिछली 5 फिल्मों में से 3 फिल्में उनके ऊपर प्लेजरिज्म चोरी का आरोप लगा है, इसमें भी लगा था विकी विद्या में। जो मीडिया के एक पर्सनालिटी है संजय तिवारी, उन्होंने एलिज किया था कि ये जो कहानी है ये उनकी फिल्म, उनकी जो स्टोरी है लॉगलाइन, सेक्स है तो लाइफ है, उससे इन्होंने चुराई है। और फिर ड्रीम गर्ल पहली वाली, उसके ऊपर भी यही आरोप थे। एंड फिर जनित में जारी हैड ऑल्सो फेस्ड एलिगेशन ऑफ प्लेजरिज्म। बस यही कह सकता हूँ कि जहाँ बाहर वालों ने कुछ केस किया तो वहाँ तो कुछ हुआ नहीं और राज शांडिल्य स्टक टू हिज गन्स। लेकिन अब क्योंकि सामने आपके मैडॉक है और खासकर जियो स्टूडियोज है, तो फिर आई थिंक राज शांडिल्य उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। खैर, मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि हाउ कुड राजकुमार राव, जो स्त्री फ्रेंचाइज के हीरो हैं, हाउ कुड ही अलाउ दिस वेरी पुअर स्त्री स्पूफ टू हैपन इन विकी विद्या? आई डोंट नो, जब उन्हें ये स्क्रिप्ट मिली थी विकी विद्या की, और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि शायद ये जो स्पूफ है ये शायद बाद में ऐड किया होगा। और क्या राजकुमार राव, उन्हें कुछ ऐसा बताया गया था कि ये जो स्पूफ जो कर रहे हैं क्या वो मैडॉक की परमिशन से लेके कर रहे हैं? अब बट स्टिल, इफ आई वॉज राजकुमार राव, I would have put my foot down and told राज शांडिल्य कि नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये स्पूफ और ज़्यादा बुरा इसलिए लगता है क्योंकि this is the first film after स्त्री 2। और दर्शक क्या सोचेगा कि क्या राजकुमार उनके पास कुछ रह गया नहीं? अरे भाई, 2 महीने पहले आपकी
आपकी स्त्री 2 आई थी और अब आपकी अगली फिल्म उसके अंदर आप एक 10-12 मिनट का बहुत ही पुअर स्त्री स्पूफ डाल देते हो। वेल बट दैट्स बॉलीवुड फॉर यू, और क्या कहूँगा।